नमस्कार आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर आज हम पढ़ेंगे 4.07 आसम एसोसिएशन तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं ए ब्रॉड बेस्ड प्रोविंशियल फोरम टू एप्राइज द गवर्नमेंट ऑफ द विशेष एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ आसाम बिकेम एन अर्जेंट नीड आसाम के लोगों का हित में या फिर आसाम के जो जनसाधारण थे उनका जो प्रॉब्लम्स वगैरह थी उनका जो समस्याएं वगैरह थी उसको सरकार तक पहुंचाने के लिए एक संगठन का जरूरत था दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ आसाम एसोसिएशन इन 1903 जीरो थ्री बाई मणिक चंद्र बोरुआ और उसी के चलते यानी कि आसाम के लोगों का जितना भी असुविधाएँ वगैरह थी उसको ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने के लिए 1903 में मनिक चंद्र बोरुआ जी ने आसाम एसोसिएशन का गठन किया इन 1905 जीरो फाइव द फर्स्ट सेशन ऑफ द एसोसिएशन वॉज हेल्ड इन डिब्रीगढ़ और 1905 में आसाम एसोसिएशन का पहला मीटिंग डिब्रीगढ में हुआ इन दिस सेशन इट फॉर्मेली इलेक्टेड राजा प्रभात चंद्र बोरुआ एज इट्स प्रेसिडेंट जगन्नाथ बोरुआ एज वाइस प्रेसिडेंट एंड मनिक बोरुआ एज जनरल सेक्रेटरी। 1905 में जो असम एसोसिएशन का पहला मीटिंग डिब्रीगढ में हुआ उस मीटिंग में राजा प्रभात चंद्र बोरुआ जी को इसका प्रेसिडेंट जगन्नाथ बोरुआ जी को वाइस प्रेसिडेंट और मनिक चंद्र बोरुआ जी को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया

द नेशनल कांग्रेस हैड नेग्लिजेबल प्रेजेंस इन आसाम एंड द आसाम एसोसिएशन वाज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड और प्रथम विश्व युद्ध तक यानी कि 1914 तक कांग्रेस का इतना इम्पोर्टेंट रोल आसाम में नहीं था और उस समय आसाम एसोसिएशन ही आसाम का मुख्य एक ऑर्गेनाइजेशन था क्योंकि नाइनटीन तक नेशनल कांग्रेस का इतना इम्पोर्टेंस आसाम में देखने को नहीं मिला लाइक like जोराट सार्वजनिक सभा इट डिड नॉट बिलीव इन डायरेक्ट कॉन्फ्रटेशन विद द ऑथोरिटीज और जोराट सार्वजनिक सभा का जैसा ही आसाम एसोसिएशन भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से डायरेक्टली फेस टू फेस आके बात करने में भरोसा नहीं रखती थी द एसोसिएशन फॉलोड पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड टू ब्रिंग चेंजेस और आसाम एसोसिएशन शांतिपूर्वक और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आसाम में चेंजेस लाना चाहती थी

और उनमें से कुछ है नंबर वन इट वॉज क्रिटिकल ऑफ़ द प्रीडोमिनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन द म्युनिसिपल कॉमेटी एंड ऑफ टी प्लांटर्स इन द लोकल बोर्ड तो आसाम एसोसिएशन ने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाया जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल ही म्युनिसिपल कॉमेटी के मेंबर्स बने साथ ही टी प्लांटर्स को लोकल बोर्ड्स का मेंबर बनाया गया तो आसाम एसोसिएशन चाहते थे कि आसम के लोगों को भी म्यूनिसिपल कॉमेटी और लोकल बोर्ड में हिस्सा बनने को मिले नंबर टू इट डिमांडेड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द लोकल बॉडीज नंबर टू में आसाम एसोसिएशन ने ब्रिटिश से मांग की कि लोकल बॉडी जितने भी हैं वो सारे डेमोक्रेटाइजेशन कर दिया जाए यानी कि डेमोक्रेटिक रूप में वो सब काम कर सके तीन में इट अपोज इन्हेंसमेंट ऑफ टैक्सेस एक्साइज पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिमांडेड एप्सुलट प्रोहिबिशन ऑफ ओपियम और तीसरा है उस समय आसाम एसोसिएशन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लैंड टैक्स बढ़ाया था उसका विरोध में आंदोलन किया साथ ही एक्साइज पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट जितने भी एक्साइज पॉलिसी वगैरह थी यानी कि सरकार का जो टैक्स वगैरह सिस्टम था उसको और साथ ही कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ कम्प्लीट यानी कि जो अफीम का इस्तेमाल किया जाता था उस समय उसको कम्प्लीटली बैन करने का डिमांड आसाम एसोसिएशन ने किया था नंबर फोर इट वॉज कंसर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोविंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन यानी कि आसाम एसोसिएशन ने आसाम की जो शिक्षा थी उसको डेवलप करने के लिए काम की हैंस इट नेगोशिएटेड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आसाम इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी सिंडिकेट अपॉइंटमेंट ऑफ आसामिस टीचर्स इन कॉटन कॉलेज यानी कि आसाम एसोसिएशन ने उस समय ब्रिटिश से ऐसा मांग रखा कि आसाम का भी कोई मेंबर कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो कमेटी था कलकत्ता यूनिवर्सिटी चलाने के लिए जो कमेटी बनाया गया उसमें भी मेंबर कोई आसाम से भी होना चाहिए क्योंकि उस समय आसाम में कोई यूनिवर्सिटी नहीं था तो आसाम के सारे लोग कैलकाटा जाया करते थे पढ़ाई करने के लिए कलकटा यूनिवर्सिटी में ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और अंतिम ने यह डिमांड रखा था कि आसाम में टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अभी तो बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है लेकिन उस समय आसाम एसोसिएशन ने भी यह डिमांड रखा था एस्टाब्लिसमेंट ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन तो ये चार पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है वॉट आर एसोसिएशन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो ये चार पॉइंट आप लोग याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है वन ऑफ द मेजर इश्यूज अंडर बाय द एसोसिएशन वाज टू अपोज इनकॉर्पोरेशन ऑफ इनटू ए सिंगल प्रोविंस ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम इन 1905 आसम एसोसिएशन का एक मुख्य डिमांड यह भी था कि आसम एसोसिएशन यह नहीं चाहता था कि आसाम बंगाल के साथ मिक्स होके एक सिंगल प्रोविंस बने और ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम यानी कि ईस्टर्न बंगाल और आसाम उसका नाम हो

मोन्टेगो चैम्सपॉर्ड रिफॉर्म्स की भी डिमांड की ताकि असम की जो शासन प्रक्रिया थी उस समय उसको सुधार करने के लिए भी असम एसोसिएशन ने मोन्टेगो चैम्स रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने का भी मांग किया था फॉर दिस पर्पज द एसोसिएशन सेंड ए टीम ऑफ सेवन मेंबर्स टू कैलकाटा इन नाइनटीन हंड्रेड सेवनटीन और इसी के चलते यानी कि मोन्टेगो चैम्स रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए आसाम एसोसिएशन ने नाइनटीन हंड्रेड सेवनटीन में एक सात लोगों का टीम भी कलकत्ता भेजा था द एसोसिएशन इवेंट एंड नवीन चंद्र एंड प्रसन्न कुमार बोरवा टू लंडन फॉर द सेम और आसाम एसोसिएशन ने उस समय चंद्र जी को और प्रसन्न कुमार बोरवा जी को लंडन भेजा ताकि वहां जाके वो लोग ब्रिटिश से मांग कर सके ड्यू टू द प्रेशर बिल्ड अप बाय द एसोसिएशन आसाम के अंडर द रिफॉर्म्स ऑफ मंटेगो चेम्सफोर्ड और इसी तरह से प्रेशर देते देते लास्ट में आसाम एसोसिएशन सफल हुए और ब्रिटिश मजबूर होके मो चैम्स फॉर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना पड़ा अनदर मेजर डिमांड पुट फॉरवर्ड बाय एसोसिएशन इन ट्वेंटी डिमांड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन आसम और दूसरा मेजर बड़ा अगर डिमांड हम लोग देखे आसम एसोसिएशन का तो वो था डिमांड फॉर ए यूनिवर्सिटी इन आसाम यानी कि 1920 में आसम एसोसिएशन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांग रखा कि आसाम में एक यूनिवर्सिटी एस्टाब्लिशमेंट होना चाहिए द आसम एसोसिएशन गॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन नॉन कॉपरेशन मोवमेंट नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी और आसम एसोसिएशन ने एक्टिव होकर नॉन कॉपरेशन मोवमेंट नाइनटीन ट्वेंटी वन में हिस्सा लिया फाइनली इट्स मेम्बर्स फेल दैट एसोसिएशन सुड आइडेंटिफाई इट सेल्फ विद द एम्स एंड आइडियल ऑफ कॉन्ग्रेस एंड चेंज इट्स प्रोविंशियल आउट लुक इन ऑर्डर टू सर्व द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्रीज अल्टीमेट गोल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फाइनली आसम एसोसिएशन को ऐसा लगा कि इसका खुद एक परिचय बनाना चाहिए इसलिए उसने क्या किया कांग्रेस का जो एम्स एंड आइडियल्स था उसको करना स्टार्ट कर दिया इन 1916 द द टू इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड दस्टाब्लिस्ड ए फॉर्मल रिलेशनशिप विद कांग्रेस और 1916 में इसने यानी कि आसाम एसोसिएशन ने आसाम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में प्रतिनिधि भेजा तो पहला बार आसम एसोसिएशन ने क्या किया कि अपना जो डेलीगेट्स था अपना में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मीटिंग था उस समय उसमें उस भेजा और इसके साथ ही क्या आसम एसोसिएशन का एक अच्छा रिलेशन कांग्रेस के साथ में बना द डेलीगेट्स ऑफ द एसोसिएशन ऑल्सो अटेंडेड नागपुर कांग्रेस तो यहाँ से जो मेंबर गए थे कांग्रेस का मीटिंग अटेंड करने के लिए उन्होंने क्या किया कांग्रेस का जो एनुअल सेशन था नागपुर में उस समय उसको भी अटेंड किया ओवर द numbers ए ग्रेटर from ऑफ डेलीगेट्स attending annual conference एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1921, the Assam एसोसिएशन merged with द Assam प्रोविंशियल कांग्रेस Committee. और धीरे धीरे करके क्या हुआ आसाम से बहुत सारे मेंबर्स कांग्रेस का जो एनुअल सेशन होता था उसमें अटेंड करने लगे और फाइनली 1921 में यानी कि 1921 में आसाम एसोसिएशन पूरी तरह से आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी में शामिल हुआ तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं भी समाप्त होता है मैं आशा करता हूँ आपने थोड़ा समझा होगा थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग जीत की पाठशाला